मस्तूरात की लेडीज की सोच में तब्दीलियां आई, अंदाज जिंदगी में बदलाव आया। आज नतीजे के तौर पर सूरत हाल ये है कि चाहे सियासी सरगर्मियां हो या मैदान अदब हो, ख्वातीन मर्दों के साथ साथ कौमी खिदमात अंजाम दे रही हैं। एक ऐसी ही शायरा, एक ऐसी ही कवित्री, एक ऐसी ही कलमकारा जो धार से तशरीफ लाई हैं, जो मर्दों के साथ साथ चलकर कौमी खिदमात, अदबी खिदमात अंजाम दे रही हैं। हम बड़े अदब के साथ मोहतरमा अनीता आनंद साहिबा से गुजारिश करते हैं इन चार मिसरों की रोशनी में कि दिल की सारी ख्वाहिशों को कैद कर लेती मगर, दिल की सारी ख्वाहिशों को कैद कर लेती मगर, मेहनतों से जो बुना वो जाल छोटा पड़ गया, और इत्तफाकन मुस्कुराने की सजा ऐसी मिली, आंसुओं के वास्ते रुमाल छोटा पड़ गया। जोरदार तालियों के साथ मोहतरमा का इस्तकबाल कीजिए। ये अमरावती वाले बहुत मोहब्बत करते हैं और वो जानते हैं कि अपनी मौसी की बेटी से कैसा व्यवहार करना है। क्या कहने, क्या कहने। आज मैं आपके आंगन में आपकी मौसी की बेटी यानी आपकी बहन के बतौर यहाँ आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आपने अल्ताफ साहब को दी है, वैसी ही मोहब्बत मुझे दें। और मुझे मालूम है कि ये बिल्कुल मिलेगी। अनीता जी, आप मायूस ना होइए, ये अहले इल्म का मजमा है और बड़ी कदर करना जानते हैं, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। मुझे मालूम है कि बलवाड़ा वाले, ब्राह्मणपुर वाले, अमरावती वाले सारे लोग यहाँ मौजूद हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो बात शुरू करती हूँ आज जी, जी बाबा के दरबार में खड़ी हूँ, बात उन्हीं को, दो शब्द मैंने लिखे हैं, इसका आप रदीफ काफिया ना देखते हुए सिर्फ मेरी भावनाओं को देखें। तेरे दरबार में बाबा मैं पहली बार आई हूँ, तेरे दरबार में बाबा मैं पहली बार आई हूँ, जो दिल की है मुरादे में उन्हें भी साथ लाई हूँ, जो दिल की है मुरादे में उन्हें भी साथ लाई हूँ, मैं अपने नेक जज्बों की तुम्हें चादर उड़ाऊंगी। बहुत अच्छा। मैं अपने नेक जज्बों की तुम्हें चादर चढ़ाऊंगी, मैं सच्ची भावनाओं का भी कुछ प्रसाद लाई हूँ, मैं सच्ची भावनाओं का भी कुछ प्रसाद लाई हूँ। वाह, क्या कहने। कि मेरे खुलूस में हरगिज नहीं रियाकारी, मेरे खुलूस में हरगिज नहीं रियाकारी, हर एक शेर मोहब्बत के साथ पढ़ती हूँ, ये बात और मैं हिंदू हूँ नाम अनीता है, मैं नाते पाक अकीदत के साथ पढ़ती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पाक अकीदत के साथ पढ़ती हूँ और बाबा के दरबार में बहुत अच्छा हाजिरी हुई है। बहुत अच्छा है अनीता जी, जिंदाबाद। मेरे दिल में काशी है, आँखों में मदीना है, मेरे दिल में काशी है, आँखों में मदीना है, घर गीता अंगूठी है, कुरान नगीना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंगूठी है, कुरान नगीना है, राम और अली मिलकर जीवन महकाते हैं, राम और अली मिलकर जीवन महकाते हैं, इस मिट्टी में दोनों का खून और पसीना है, इस मिट्टी में दोनों का खून और पसीना है,
और चार मिसरे पेश करती हूँ, सुनिएगा जी। यथा कि तासुब का नशा जिसमें, तासुब का नशा जिसमें वो आलम छोड़ कर निकलो, तासुब का नशा जिसमें वो आलम छोड़ कर निकलो, क्या कहने, जहाँ कौमी सियासत हो वो परचम छोड़ कर निकलो, जहाँ कौमी सियासत हो वो परचम छोड़ कर निकलो, कहीं मस्जिद का झगड़ा है कहीं मंदिर का मुद्दा है, कहीं मस्जिद का झगड़ा है कहीं मंदिर का मुद्दा है, ये सिस्टम है तबाही का ये सिस्टम छोड़ कर निकलो, भाई बहुत अच्छा शेर कहा है, बहुत अच्छा मैसेज है पूरे देश के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए। मैं आज यहाँ हूँ, मैं उस एकता के लिए, उस प्रेम के लिए और उर्दू से मोहब्बत के लिए हूँ। अभी यहाँ कौन साहब कह रहे थे कि हाँ अल्ताफ साहब ने पढ़ा कि खुद को तन्हा देखना पड़ता है, मुझे आज लग रहा था कि मैं इन लोगों के बीच में सब तन्हा हूँ, पर मैं ऐसा नहीं समझती, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरे भाई है, मैं इस डाइस पे सिर्फ उर्दू की मोहब्बतों के वजह से यहाँ हाजिर हूँ, आई हूँ, तो मेरी शायरी है जो मुझे मैडम आप है। तन्हा नहीं है, आपके साथ सबकी दुआएं हैं और पाकीजा मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा जो दरवाजे पे खड़ा हो उसको सबसे पहले कुछ पेश कर देना चाहिए, तो मैं उस दरवाजे वालों के लिए पढ़ती हूँ कि गीत और गजल के कुछ तो तलबगार खड़े क्या कहने, गीत और गजल के कुछ तो तलबगार खड़े हैं, कुछ दिल में लिए हसरत दीदार खड़े हैं, कैसा है मोहब्बत का ये दरिया यहाँ आनंद, कैसा है मोहब्बत का ये दरिया यहाँ आनंद, इस पार हम खड़े हैं वो उस पार खड़े हैं, इस पार हम खड़े हैं वो उस पार खड़े, क्या कहने क्या कहने। और तहत में दो चार मिश्रे पढ़ के मैं अपनी एक गजल पढ़ूंगी कि जमाने भर से कट जाऊं बहुत मगरूर हो जाऊं, जमाने भर से कट जाऊं बहुत मगरूर हो जाऊं, मुझे इतना ना चाहो तुम कि खुद से दूर हो जाऊं, मुझे इतना ना चाहो तुम कि खुद से दूर हो जाऊं, सजी हूँ तेरी पलकों पर मैं अश्क आरजू बनकर, सजी हूँ तेरी पलकों पर मैं अश्क आरजू बनकर, तेरी नजरों से गिर जाऊं तो चकना चूर हो जाऊं, तेरी नजरों से गिर जाऊं तो चकना चूर हो जाऊं, मुझे तुमने तराशा तो मेरा किरदार रोशन है, मुझे तुमने तराशा तो मेरा किरदार रोशन है, तुम्हारी बेरुखी से मैं ना फिर बेनूर हो जाऊं, तुम्हारी बे चचा चचा आप चेचा जान आप सुनिए, मुझे मालूम है अल्ताफ जी आप पढ़ रहे थे तो आप अपनी आंखों को इस रुमाल से पूछ रहे थे, मुझे मालूम है अपना जमाना आपको याद आ गया था और वो भी आ जाएगी, आप चिंता ना करें कि हर किसी को हुस्न सरापा नहीं आता, हर किसी को हुस्न सरापा नहीं आता, और अगर दिल जवा हो तो फिर बुढ़ापा नहीं आता। बहुत अच्छे हाथों में जब भी मेरे खनकती है चूड़ियाँ, हाथों में जब भी मेरे खनकती है चूड़ियाँ, लगता है जैसे दिल में धड़कती है चूड़ियाँ, लगता है जैसे दिल में धड़कती है चूड़ियाँ, उसकी नजर की चांदनी हाथों पे क्या पड़ी, उसकी नजर की चांदनी हाथों पे क्या पड़ी, रंग कोई भी हो इनका चमकती है चूड़ियाँ, रंग कोई भी हो इनका चमकती है चूड़ियाँ। बहुत अच्छे क्या कहने, सुनिए आपके मतलब की बात है, घड़ियां हो इंतजार की दहलीज पर खड़ी, घड़ियां हो इंतजार की दहलीज पर खड़ी, आंखों के साथ साथ बरसती है चूड़ियां, आंखों के साथ साथ बरसती है चूड़ियां, बचपन में ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं था,
बचपन में ख्वाहिशों का कोई मोल नहीं था, सपने हुए जवा तो मचलती है चूड़िया, सपने हुए जवा तो मचलती है चूड़िया, चंदन चमेली मोगरा और खुश हुए फिजूल, चंदन चमेली मोगरा और खुश हुए फिजूल, खुशबू से अब तो तेरी महकती है चूड़ियाँ, खुशबू से अब तो तेरी महकती है चूड़ियाँ। और एक शोर सुने कि तन्हाइयों का दर्द भी तन्हा नहीं रहा, तन्हाइयों का दर्द भी तन्हा नहीं रहा, बिस्तर में साथ मेरे सिसकती है चूड़ियाँ, बिस्तर में साथ मेरे सिसकती है चूड़ियाँ। और मक्ते का शेर पढ़ के मैं अपनी ज़हमतें तमाम करूँगी। आनंद ने हाले दिल तुम्हें सब सेंड कर दिया, आनंद ने हाले दिल तुम्हें सब सेंड कर दिया, दो नीली लाइनों को तरसती है चूड़िया, दो नीली